आपने पहले भी साधु संतों की शक्ति और दृढ़ निश्चय से भरी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सामाजिक सद्भावना का संदेश देने वाली एक अद्भुत कहानी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम्रपाली नाम की एक वैश्या, जिसे संसार की सबसे सुंदर महिला का तमगा प्राप्त था, जिसे देखने मिलने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आया करते थे, वो क्यों और कैसे गौतम बुद्ध की अनुयायी बन गई, आइए मिलकर जानते हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों आम्रपाली की ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक वैशाली नाम के जिले से। कहा जाता है कि आज से कई सौ वर्ष पहले एक आम के पेड़ के नीचे एक दंपत्ति को बहुत ही सुंदर और अबोध बच्ची मिली। अब चूंकि ये बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली थी इसीलिए इसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। कहा जाता है कि आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके सौंदर्य और रूप के चर्चे पूरे नगर में होने लगे। लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर उसकी एक झलक पाने के लिए तरसा करते। और तो और आम्रपाली को विवाह के प्रस्ताव कई राजा मंत्री और नगर के धनी लोग दे चुके थे। और जब वैशाली के राजा को आम्रपाली के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि आम्रपाली किसी एक से विवाह कर लेगी तो इससे पूरे नगर में अशांति फैल सकती है, क्योंकि जो आम्रपाली से विवाह करने के बाकी इच्छुक होंगे वो या तो जीते जी ही मर जाएंगे या फिर आपस में लड़ेंगे। ऐसे में राजा ने आम्रपाली को नगर वधु अर्थात वैश्या बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि नगर वधु बनने के बाद आम्रपाली को अपना महल, सैनिक और कई दासियां दी गई और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके अलावा वो शाही परिवार में नर्तकी भी बन गई और इस तरह आम्रपाली अपना जीवन ऐशो आराम से व्यतीत करने लगी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए तभी वैशाली में गौतम बुद्ध पहली बार आए। जब ये बात आम्रपाली को पता चली तो वो उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं के साथ गंडक नदी के तट पर पहुंच गई। आम्रपाली इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसे देख गौतम बुद्ध को अपने शिष्यों से ये तक कहना पड़ा कि सभी अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसा गौतम बुद्ध ने इसलिए कहा क्योंकि वो ये जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देख उनके शिष्यों के लिए संतुलन बनाए रखना कठिन होगा। कहा जाता है कि इस दौरान आम्रपाली का मन एक बौद्ध भिक्षु पर आ गया और जब वो बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आम्रपाली के महल पहुंचा तो आम्रपाली खुद को न रोक सकी और उसने भिक्षु से एक वर्ष के लिए उसके महल में रहने का आग्रह किया, जिस पर भिक्षु ने कहा कि वो बिना गौतम बुद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता। महल में रुकने या फिर नहीं रुकने का फैसला भी उनके भगवान ही करेंगे। फिर क्या था, आम्रपाली सीधा भगवान बुद्ध के पास जा पहुंची और उनसे भिक्षु के महल में रुकने का निवेदन करने लगी। मित्रों गौतम बुद्ध को अपने भिक्षु और अपने धर्म पर पूरा विश्वास था इसीलिए उन्होंने आम्रपाली के निवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वो भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने लगा। आम्रपाली को अपनी सुंदरता पर घमंड हो चुका था, उसे लग रहा था कि वो अपने सौंदर्य से भिक्षु को रिझाने में सफल हो जाएगी, लेकिन उसकी सुंदरता का भिक्षु पर कोई भी असर नहीं पड़ा। 4 महीने बाद जब भिक्षु भगवान बुद्ध से मिलने लौटा तो आम्रपाली भी भगवान बुद्ध की शरण में जा पहुंची और बोली कि हे भगवान, मैं आपके सिखाए धम्म अर्थात धर्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके इस भिक्षु को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका, इसीलिए अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं और अब मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। और मित्रों तभी से आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षुनी बन गई और उसने अपना बाकी का पूरा जीवन उसी रूप में बिताया। तो मित्रों देखा आपने कि कैसे धर्म की शक्ति के आगे एक वैश्या भी भिक्षु बन गई। आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।